ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत्कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों 28 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण ये बहुत ही प्रभावशाली चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। शरद पूर्णिमा लगने जा रहा है। इस दिन ग्रहों का गोचर बहुत ही शेष रहने वाला है। दोस्तों इस चंद्र ग्रहण को लेकर देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं, लेकिन 6 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत ही लक्की रहने वाला है, उनके लिए बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आज हम उसी की आपको जानकारी दे रहे हैं, साथ ही इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब होगा और इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव और कहां कहां पर ये दिखाई देने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों 28 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में खंड ग्रास के रूप में देखा जा सकेगा। भारत के अलावा अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, कनाडा सहित हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, रूस के पूर्वी क्षेत्रों में इस ग्रहण का प्रारंभ केवल चंद्र अस्त के समय ही देखा जा सकेगा, जबकि कनाडा, ब्राज़ील के पूर्वी क्षेत्रों, दक्षिण अंटार्कटिका के महासागरों में चंद्र उदय के समय इसकी समाप्ति देखी जा सकेगी। भारत में तो इस ग्रहण का दृश्य प्रारंभ से लेकर समाप्ति तक देखा जा सकेगा। दोस्तों अब हम आपको चंद्र ग्रहण का प्रारंभ और समाप्ति का समय बताने जा रहे हैं। दोस्तों भारत में 28 अक्टूबर की रात्रि को यानी 29 अक्टूबर की सुबह 1:05 से ग्रहण प्रारंभ होगा और इसका समापन रात के 2:24 पर इसका समापन होगा। इस ग्रहण का सूतक काल देखिए 28 अक्टूबर को सायंकाल को 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। 28 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण देखिए ये इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा और ये जो चंद्र ग्रहण है मेष राशि के अंदर लगने जा रहा है और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। ये संपूर्ण भारत में मतलब देखा जा सकेगा। इस चंद्र ग्रहण का देखिए सूतक काल मान्य होगा और संपूर्ण भारत में कहीं पर पूर्ण रूप से तो कहीं पर आंशिक रूप से इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण में देखिए 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो साथ ही दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान देखिए गर्भवती महिला को विशेष सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। साथ ही देखिए ग्रहण के दौरान रसोई का कोई भी कार्य मतलब नहीं करना चाहिए, जैसे खाना पकाना, गैस जलाना, छुरी चाकू या फिर सोना, ये सभी कार्य वर्जित माने जाते हैं। और ग्रहण के दौरान किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसको करने से जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव है वो आपके होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपको एक नारियल लेना है और आप कोई सफ़ेद अनाज भी ले सकते हैं, चावल, चीनी, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ ले सकते हैं। नारियल को आप अपने पास रखकर मतलब चंद्र ग्रहण के दौरान बैठ सकते हैं और उसके बाद उस नारियल को अपने ऊपर से 7 बार उसार कर आप किसी भी बहते हुए पानी में उसको विसर्जित कर सकते हैं। और जो अनाज है उसको भी, अगर नारियल नहीं है तो आप अनाज से ये उपाय कर सकते हैं कि आप सफ़ेद अनाज को अपने सिर से 7 बार उसार कर ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी को भी दान कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके घर के आसपास जैसे बहता हुआ पानी, नदी, तालाब नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी इसको रख सकते हैं। ऐसा करने से जो ग्रहण का प्रभाव है वो होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ता है। साथ ही दोस्तों इस दिन ग्रहों का गोचर देखिए 6 भाग्यशाली राशियों के लिए सबसे ही शेष रहने वाला है। इनके लिए कह लीजिए ये चंद्र ग्रहण बहुत ही लक्की साबित होने वाला है। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण से ही बहुत अच्छे लाभ मिलने के योग बनेंगे, धन लाभ होगा, करियर में तरक्की होगी, साथ ही संतान और पुत्र के भी बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है कुंभ राशि।
कुंभ राशि के जातकों के लिए भी ये चंद्र ग्रहण बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इनको धन लाभ के साथ साथ संतान सुख के भी बहुत अच्छे और प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए भी ये चंद्र ग्रहण बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इनको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए भी ये चंद्र ग्रहण बहुत ही लक्की रहने वाला है। इनको धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे, साथ ही पुत्र और संतान के बहुत अच्छे और प्रबल योग बने हुए हैं। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको ये चंद्र ग्रहण बहुत ही लक्की साबित होने वाला है। उनको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बनेंगे, साथ ही ग्रहण के दौरान किसी न किसी सफ़ेद वस्तु का दान अवश्य करें तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। जो भी आपके कार्य में बाधा आ रही है वो अवश्य ही दूर होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी